आज हम लोग दुमका के इस सीधो मुर्मू कानू मुर्मू पोखरा चौक पर आदिवासी क्रांति सेना की सदस्य की ओर से हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और वहाँ के यहाँ के जो प्रभारी कुलपति है विमल प्रसाद सिंह, उनका पुतला दहन करने का काम किया। जैसे कि हम लोग ने देखा कि कैसे यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के प्रभारी कुलपति, जो आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व है, जो त्यौहार है, उसमें एक दिन का भी उन्होंने छुट्टी नहीं दिया। आदिवासी इस पर्व को बड़े ही विधि विधान से 5 दिन मनाते हैं। जैसे बाकी पर्व में हमने देखा कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने और यहाँ के प्रभारी कुलपति ने कैसे सबको पर्याप्त छुट्टी देने का काम किया, लेकिन यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूल यहाँ के आदिवासी है झारखंड के, उनको सिर्फ एक दिन छुट्टी देने का काम किया, जो कि वो संडे को पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि ये झारखंड की माटी, ये संथाल परगना की माटी, यहाँ के हम लोग के नायक, वीर नायक, इस देश के नायक सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के हुल के प्रतिकूल बना परिणाम स्वरूप बना हुआ है। लेकिन इस राज्य में आज आदिवासियों की ऐसी दशा बनी है, ऐसी दिशा बनी है कि यहाँ के आदिवासियों के उनके हक और उनके अधिकार से उनको दूर किया जा रहा है। हम इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के कुलपति और यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि आदिवासियों की छुट्टी जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा आदिवासी क्रांति सेना जल्द ही जल्द उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये ना समझे कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के छात्र छात्राएं और वहाँ के शिक्षक गण का है। अगर ये छुट्टी उन्होंने दोबारा आदिवासियों को देने का काम नहीं किया, पूरा आदिवासी समाज इस आंदोलन में कूद पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि स्वराज की छुट्टी विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय के प्रोविसी का कहना है कि झारखंड के राज्यपाल ने छुट्टी को रद्द किया है, क्या कहेंगे? देखिए, होता है कि अपनी गलती दूसरों के सर पे फोड़ना, ऐसा नहीं है कि सारा काम वही आपके राज्यपाल ही करेंगे। यहाँ के जो वाइस चांसलर, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होता है कि यहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप कि यहाँ के छात्रों और छात्राओं को छुट्टी दिया जाए। लेकिन वाइस चांसलर ने इस जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए आदिवासियों को छलने का काम किया है। अगर ऐसे ही बात थी तो बाद बाकी जितने भी त्यौहार है उन सभी त्यौहार में उन्होंने पर्याप्त छुट्टी क्यों दिया? आप लोग क्या झारखंड के राज्यपाल से भी मांग करेंगे इस बाबत? हम इस राज्य के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखेंगे और मांग करेंगे कि यहाँ के आदिवासियों के सबसे बड़े महापर्व और त्योहार पे छुट्टी देने का काम करें।